नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड बनाएंगे। बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल में हम ये गार्लिक ब्रेड घर पर बनाएंगे, लेकिन हम इसे कुकर के अंदर बनाएंगे। वीडियो में देख सकते हैं कितनी चीजी बनी है और स्टफिंग भी इसके अंदर है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक खाली कप लिया है, आधा कप से थोड़ा सा ज्यादा हम इसके अंदर पानी डालेंगे, यानी एक दो चम्मच इतना ज्यादा पानी डालेंगे आधे कप से। और इसके अंदर एक चम्मच जो है हम यीस्ट डालेंगे। ये पानी जो है गुनगुना है, यानी ल्यूकवार्म है। एक चम्मच यीस्ट डाला है, ये इंस्टेंट एक्टिव ड्राई यीस्ट है जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तीन चम्मच हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे, शक्कर की जगह आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, ऑयल जो है फ्रेग्रेंस फ्री होना चाहिए। और इसके बाद हम इसको इस मिश्रण को प्रूफ होने के लिए एक तरफ रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। यहाँ पर मैदा लिया है, इस मैदे को ऑलरेडी मैंने छान दिया है। एक कप मैदा मैंने बड़े बाउल में डाला है और आधा कप और डाला है, टोटल 1.5 कप मैदा लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर एक चम्मच गार्लिक का पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास गार्लिक का पाउडर नहीं है तो आप 5-7 लहसुन की कलियों को घस कर इसके अंदर डाल सकते हैं। नमक डालेंगे हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार। 2 चम्मच जो है मिल्क पाउडर डाला है मैंने इसके अंदर। मिल्क पाउडर नहीं है तो इसे स्किप कर दीजिएगा आप। यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो का मिश्रण बना के रखा है सीजनिंग के लिए, तो वो हम इसके अंदर डालेंगे। 1 टेबल स्पून जितना हम इसके अंदर डालेंगे। और जो हमारा मिश्रण है यीस्ट का वो प्रूफ हो चुका है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करते हुए डालेंगे आवश्यकता के अनुसार। एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारे मैदे में काफी सारा पानी हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इसके अंदर डालेंगे। सारा मिश्रण जो है हमने डाल दिया है और हमारा जो आटा है वो बनकर तैयार हो गया है। काफी गीला सा आटा बनता है इसका। थोड़ी देर हम इसे नीड करेंगे। 1 चम्मच जितना हम इसके अंदर ऑयल डाल के इसको वापस नीड करेंगे। और जब आटा हमारा चिकना हो जाएगा तो हम इसको तो 1 से 1.5 घंटा तक सेट होने के लिए रखेंगे ढक्कन लगाकर, क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो 1 घंटे में ये सेट हो जाता है, नहीं तो 2-3 घंटे लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा 1 घंटे में ही सेट हो गया है। अब हम पंच करके इसकी हवा निकाल देंगे और इसको अच्छे से एक बार नीड कर देंगे। यहाँ पर 1 चम्मच जितना बटर डाला है, बटर डाल के हम इसको वापस नीड कर देंगे। आटा जो है हमारा अच्छे से तैयार हो गया है गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए। यहाँ पर हम 2 गार्लिक ब्रेड बनाएंगे, तो इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। 1 गार्लिक ब्रेड जो है हम तवे पे बनाएंगे और दूसरी हम कुकर के अंदर बनाएंगे। तवे वाला हमारे दूसरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने बटर लिया है और बटर के अंदर मैंने कटा हुआ ताजा धनिया डाला है। 1/2 टेबल स्पून जितना मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स का जो हमने मिश्रण बनाया था ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स का वो डालूंगी। और 2 टेबल स्पून जितना मैं इसके अंदर ताजा घसा हुआ लहसुन डालूंगी, क्योंकि गार्लिक ब्रेड बना रहे हैं तो लहसुन डालना जरूरी है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम अच्छे से रोल कर देंगे डो को, और इसके ऊपर जो गार्लिक बटर हमने बनाया है वो हम अच्छे से फैला देंगे। यहाँ पर श्रेडेड मोजरेला चीज लिया है, उसको हम डाल देंगे एक साइड में, और जो रोल किया हमने डो को एक साइड में डाल देंगे। और उसके ऊपर हम इस यहाँ पर बॉयल कॉर्न डालेंगे। सब्जी आप आवश्यकता के अनुसार और इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ पर हैलेपिनोज डाली है कटी हुई, आप चाहें तो लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च जो आती है ताजी, वो कटी हुई डाल सकते हैं इसके ऊपर। और इसके अंदर आप दूसरी स्टफिंग यानी जो मशरूम वगैरह है वो भी डाल सकते हैं ताजे कटे हुए। अब हमने इसको अच्छे से पानी से सील कर दिया है हमारी गार्लिक ब्रेड को, और इसके ऊपर हम बटर लगा देंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर नाइफ से जो है कट के निशान लगा देंगे। हमें इसे पूरी तरीके से नहीं काटना है, सिर्फ निशान लगाने हैं। इसके बाद हमने एक बेकिंग टिन लिया है, उसके अंदर बेकिंग पेपर लगा दिया है। और उसके बाद हम जो है गार्लिक ब्रेड हमने बनाई थी, जो मतलब डो बनाया था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर कुकर को प्री हीट करने के लिए लो मीडियम फ्लेम पर मैंने रखा है 10 से 12 मिनट के लिए। 10-12 मिनट के बाद जो हमारा कुकर है वो अच्छे से प्री हीट हो गया है, काफी धुआं निकल रहा है। इसके अंदर मैंने स्टैंड ऑलरेडी डाल के रखा है। अब हम गार्लिक ब्रेड को जो है बेकिंग टिन उसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीटी भी नहीं है, और इसके अंदर जो गास्केट आती है वो काली रिंग वो भी नहीं है, जिसको हमें पहले निकाल देना है। और उसके बाद हमें कुकर के अंदर ढक्कन लगाकर इसे 15 से 18 मिनट तक इसको अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पर हमें बेक करना है। आपको अच्छा कलर चाहिए तो आप इसे 18 मिनट तक बेक कीजिएगा, नहीं तो 12 से 15 मिनट में यह अच्छी सी बन के तैयार हो जाएगी और एकदम गोल्डन कलर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो 15 मिनट के बाद गार्लिक ब्रेड जो है बन के तैयार हो गई है, और काफी चीज जो है इससे बाहर निकल रहा है।
यहाँ पर गार्लिक बटर हम इसके ऊपर लगाएंगे गरम गरम ब्रेड पर, और इसे हम गरम सर्व करेंगे मेयो के साथ में या किसी भी डिप के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है मैंने, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा आया है कुकर के अंदर भी। तो आप भी बनाइए इसी तरीके से स्टफ गार्लिक ब्रेड, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसी लगी आपको रेसिपी। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।